देखो दादा को दौड़ा रहे भाई। रुक जा आराम से आराम से, बहुत आगे भाई बहुत। अभी अपने चारों तरफ बंदे भाई बाजू बाजू से घूमते हुए जा रहे। अरे यहाँ देखो अरे आराम से आराम से, कुछ भी नहीं करते, आराम से खाओ, आराम से खाओ, गाड़ी चलाने की। ये भाई तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब बात कुछ ऐसी है कि अभी बज रहे हैं दिन के 5 और हम लोग जा रहे हैं गौताला फॉरेस्ट, जो मेरे विलेज में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे बंदर है, शेर है, बहुत सारे एनिमल्स है, पूरा वाइल्ड वाला तुम लोगों को फीलिंग आने वाला है। क्योंकि वो जगह जो है पहाड़ पे ऊपर एक दरगाह भी है और अच्छे अच्छे सीनरी, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो एक्सप्लोर करने मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स का भाई, उन लोग आने वाले। फिलहाल तौसीफ तो आ गया, जस्ट वो गया है पेट्रोल भराने के लिए। जैसे पेट्रोल भरा के आता है तो अपन उससे मिलते हैं। और दादा को हम लोग ने भेजा भाई केले वगैरह लेके आने के लिए, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा बंदर हो गए ना वहाँ पे। तो अभी फिलहाल आ गया तौसीफ भाई पेट्रोल भर के। और क्या बोलते भाई, आ गए आज बुलेट लेके आ गए थे भाई, क्या बात है। तो देखो नंबर देखो भाई इसका भी 36 36। और क्या बोलते भाई, चलो भर दिए पेट्रोल, मतलब अभी पेट्रोल भर दिए। अभी दादा उन लोग के आने का इंतज़ार करते हैं, आगे जाके उन लोग गए केले वगैरह देने के लिए। आते शेर वगैरह आते नहीं वहाँ पे, लाइक 6-7 बजे के टाइम पे आते हैं वहाँ पे, जो है ना 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है। तो चलो तुम लोगों को फटाफट से वहाँ पे लेके चलते हैं। मुझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी, ना कर जोरा जोरी। तो गाइस यहाँ से देखो पूरा फॉरेस्ट वगैरह चालू हो गया है, यही रास्ते से जाने के अपने को। और आधी जो पब्लिक है अपनी वो चलेगी यहाँ के सामान देखिए, तो उन लोगों को भी अपने कॉल करके उनसे पूछने के लिए। करे जो छक जोरी क्यों ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे में। और भाई लोग भाई लोग चले हैं। और अमन भाई बहुत टाइम हो गया मिल के यार, 1 साल हो गया तुम्हारे से मिल के। और भाई तुम्हारा नाम क्या है? शोएब भाई। तो दादा भाई दे दिए क्या? हाँ केले लिए। तो फॉरेस्ट में मैंने तुम लोगों को जैसा बोला कि बहुत सारे जानवर हैं, खास करके बंदर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं वहाँ पे, तो एक एक दे देंगे बंदरों को, ताकि उन लोग भी खुश हो जाए और हम भी खुशी से एक्सप्लोर कर सके और घूम सके। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जब भी वो। तो जैसा तुम लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखो ये फाइनल गेट है इसका, गौताजे का, गौताजे फॉरेस्ट का। और यहाँ पे सब जानवर की भी फोटो लगी है भाई, यहाँ शेर चीता वीता सब कुछ है अंदर, तो ये सारी चीज़ें दिखी गई है। तो ये जंगल जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट हम लोग जहाँ तक जा रहे हैं ना, जहाँ पे दरगाह है वो यहाँ से 8 से 8.5 किलोमीटर की दूरी पे कुछ है। जैसा तुम लोग देख सकते हो देखो पूरा जंगल ही जंगल है, जहाँ तक हम लोग जाएंगे जहाँ तक रोड जाएगा भाई ये पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ी इलाका है। और हम लोग को अभी चढ़ान पे चढ़ना है, मतलब पहाड़ पे चढ़ना है ऊपर हिल पे। यहाँ पे जो है ना 6 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती है, जाएगा आपको मेन गेट पे रुका दिया जाएगा क्या भाई, 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है अंदर। बिकॉज 6 बजे के बाद क्या हो जाता है, मतलब शाम का वक्त हो जाता है और जानवर जो है ना जंगलों से बाहर आ जाते हैं। भी ना यहाँ पे पानी बहता है, तो यहाँ पे भी जानवर आते हैं पानी पीने के लिए बहुत सारे। ठीक है गर्मियों का टाइम है ना, तो इतने ज़्यादा अपने को जानवर देखने को मिले ही नहीं, हो सकता मोर वगैरह भी हमें देखने को मिल जाए यहाँ पे शाम के टाइम पे, क्योंकि मोर वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और हिरन वगैरह तो है। तो ये आ गई बहुत बड़ी चढ़ा, अभी देखते यहाँ पे चढ़ पाती है। वैसे तो बुलेट है, बुलेट में बहुत पावर है भाई। ये कौन सा बढ़ जा रहा है, कौन सा बढ़े पॉइंट है, रुकते हैं यहाँ यहाँ। ये हमारा पहला स्टॉप है, पहला पॉइंट है। और आजू बाजू तुम लोग देख रहे हो सीनरी, क्या ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, एकदम नज़ारा ही नज़ारा है। ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं अपन, क्योंकि देखो सामने बस 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 इतना ही। देखो पीछे का सीन देखो भाई, क्या ही सीन है, क्या ही सीन है। और वो जो है वो पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे जाके सेल्फी वगैरह लेते हैं। वहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे जोखंड वगैरह लगा दिए, नहीं तो नीचे देखोगे ना तुम लोग, नीचे सीधा खाइए, वहाँ पे बैठने का स्पॉट है। और यहाँ पे शेर की मूर्ति बनाई गई है। ये देखो मैं जा खड़ा हूँ ना, वहाँ से तुमको घुमा के दिखाता हूँ, अगर ये कैमरा भी गिर गया ना
कभी नहीं मिलेगा। देखो नीचे डायरेक्ट खाइए। इन लोग भी सोच रहे भाई कितना बड़बड़ करता है, क्या करें भाई साहब, हमारा काम है आपको एंटरटेनमेंट देना और एंटरटेनमेंट करवाना। तो चलो अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे निकलते, बहुत ज़्यादा बातें हो गई है। चलो तो अभी निकालते गाड़ी और जाते सीधा दरगाह की तरफ। यहाँ से जाने के अपने को राइट देने के तो दरगाह आ जाएगी, फिर आगे भी और भी स्पॉट्स है तो एक एक करके विजिट करते हैं। तो यहाँ से राइट दे देना, यहाँ पे ग्रीन झंडा है और यहाँ से सीधा सीधा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे दरगाह है भाई। तो फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे दरगाह पे, अभी जाके गाड़ी पार्क करते हैं। देख रहे अभी आ गए बंदर आ गए भाई अचानक से, आराम से छीनेंगे, छीनने का नहीं। ये भाई हमारा मुंबई से, हमने को मार मत दे देना, एक एक दे देना ज़्यादा निकाल के। वो देखो कितने ज़्यादा है वहाँ पे भी भाई, बहुत सारे बंदर। हम कन्नड़ के प्रॉपर दादा रोहित, ये देखो दादा को दौड़ा रहे। पहले देखो अपने खाने के क्या भाई, रुक जा आराम से बहुत आ गए भाई बहुत। ये मेरे दोस्त, ये कैच कर एक नंबर, ये कैच कर, रुक हाथ से आराम से खिलो। अरे पीछे भी होते, चारों तरफ से घेर दिया गया था। उसको दे देना पीछे, उसको एक खिला देना पीछे, भाग जाएगा ना पीछे से। आराम से हाथ में से ले एक नंबर। अरे भाई इन लोग डर रहे भी और हमें डरा रहे भी भाई, कितने ज्यादा बंदर आ गए भाई। आराम से खाओ। इसको देना। अभी अपने चारों तरफ बंदे भाई बाजू बाजू से घूमते हुए जा रहे बहुत प्यारे इसने, आराम से जी वो बाकी डरा रहा भी और डर रहा भी। अब ऐसा आड़ी में जा सकते हो तुम लोग भाई, इतने ज़्यादा बंदर आ गए थे और अपने एरिया वाले लोग भी यहाँ पे माही वाले लोग, तो सब अपने एरिया वाले यहाँ पे आए, मालूम भी नहीं पड़ा भाई। सब घूमने के जाए अपने गांव में, आम देखो कैसा खा रहे हैं। अरे उधर वो बारीक बारीक है ना, इधर आ रही है, ले चल जा जल्दी जा। तो कितना बड़ा खा रहे। और यहाँ पे जो तालाब वगैरह भी है तो पानी वगैरह भी है यहाँ पे, मच्छी वगैरह होती है इसमें। और ये बारिश के टाइम पे जो है ना पूरा फुल हो जाता है यहाँ पर, ये भर जाता है। और वहाँ पे झंडे वगैरह लगे, और ये दरगाह पे भी ना टाइगर वगैरह आते हैं शाम के टाइम पे, तो इसके लिए जो है ना ये जगह को ना खाली कर देने का मतलब बोला गया है कि भाई 6 बजे से पहले जो है ना इसको खाली कर दो, नहीं तो यहाँ पे क्या जानवर वगैरह आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दरगाह किसकी है आसिफ, आसिफ साहब? ये हजरत कल्ले शाह सैयद मियाँ गौताला। तो इनकी दरगाह शरीफ है यहाँ पे, मजार शरीफ है, तो ज़ियारत वगैरह करनी होगी तो कर सकते हो यहाँ। और वहाँ पे जो मस्जिद है तो वहाँ पे नमाज वगैरह हो जाती है, पत्रे वगैरह लगे हैं यहाँ पे। तो अभी अंदर जाके देखते हैं, दरगाह में चप्पल उतार लूँ। तो ये है मजार शरीफ। हम लोग यहाँ पे आए थे जो यहाँ का सीनरी है उसको रिकॉर्ड करने है, जो वाइल्ड लाइफ है। जैसे तुम लोगों ने देखा यहाँ पे ना बंदर, बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं। खाएंगे ना, कैसे खाएंगे, रखे हुए अपने, तो सूखा नहीं है, सूखता नहीं है क्या? नहीं सूखता नहीं है, कंटिन्यू आपको पानी मिलेगा इधर। इतनी गर्मी में भी? कितनी गर्मी में भी नहीं। और गहरा रहेगा ना तालाब ये तो पूरा। हाँ वजू वगैरह यही पानी से, हाँ यही पानी से सब वजू होता है। तो लिखे हुआ पीने से पानी आए काटजी गया। अच्छा ये पानी पी भी सकते हैं, नेचुरल है। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दरगाह के पास से, तो आगे एक और स्पॉट है इन लोगों ने बताया, वहाँ जाके रुकते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है बेचारे इंतजार में बैठे भाई, और कुछ मिलेगा कि नहीं। इतने अच्छा उसने छुपाया, इसने छुपाया था ना, इतने छुपा के रखा था भाई, कैदा निकाला उसने। अब देखो आराम से बैठ के खा रहे हैं वहाँ पे। बंदर बहुत होशियार रहते, बहुत होशियार रहते।
देख मैं कुछ नहीं करूंगा। इसको बंदर को देख रहे हो भाई, बैठ गए मस्त और पोज वोज भी दे रहा है भाई, एक्सीलेटर भी देने की कोशिश में लगा हुआ है, इधर चालू हो जाएगी भाई। इसके थोड़ा नजदीक जाके देखता हूँ क्या कर रहे हो जनाब। गाड़ी चला रहे हो क्या, कर क्या रहे हो तुम? छीनना नहीं मेरे हाथ से कैमरा, नहीं तो इन लोग छीन लेते भाई, इन लोगों का भरोसा नहीं है। गाड़ी चलाने की ये भाई बाप दिख रहा था ये तो डरा दिया इतने में। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं सेकंड स्पॉट की तरफ, वहाँ जाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे और वहाँ पे भी देखते हैं इसे बंदर अंदर मिलते हैं नहीं। वो बंदर तो लिटरली कोशिश कर रहा था गाड़ी चलाने की, जैसे ही मैं नजदीक आया भाई मेरे पे अटैक करने आ रहे हैं दांत दिखा के। ये एकदम नॉर्मल सेल्फी पॉइंट जैसा है, यहाँ पे आके लोग सेल्फी निकालते हैं। तो अभी एक और स्पॉट पे अपन पहुँचे हैं, वहाँ से निकले थे, वहाँ पे बीच में एक सेल्फी पॉइंट की तरफ रुके थे, वहाँ पे कुछ रील वगैरह बनाई और आपके भाई ने भी बुलेट चलाई है। तो तुम इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर जाओ, क्योंकि रील में मैं डालने वाला हूँ। बुलेट चलाई है भाई तुम्हारे भाई ने, स्पॉट पे पहुँच चुके हैं। अरे कोई ऐसा कुछ बना हुआ है स्टोन से पूरा, और पहले क्या ही बना चुके भाई। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, देख रहे हो पूरा पत्थर स्टोन काट काट के डिजाइन किया हुआ है। जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। ऊपर भी अपन जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बट नहीं देना हमें। तो अभी यहाँ से भी निकलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कितने बज गए अभी? हो गया 6:41। तो यहाँ से भी निकलते देखते हैं आगे। वैसे तो कोई स्पॉट है नहीं, वैसे है सेल्फी पॉइंट वगैरह है आगे भी, और आगे इसके एक गाँव है, बट अभी अपन आगे जाना जाए नहीं, अपन जाना जाए रिटर्न। अभी तो यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में इतना ही। अगर तुम लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और नए हो चैनल पे तो भैया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी जगह मैं एक्सप्लोर करूँगा, और मेक श्योर करो घंटी का बेल आइकन दबा दो, ऑल नोटिफिकेशन कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे।